बाहुआ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रितिका। तो अभी की मैं आपको खबर बता दूँ कि कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वहाँ से एक खबर जो है आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो आज यानी कि आज सुबह श्रीनगर में चार पत्रकारों के घर एक साथ जो है वो छापेमारी की है। यानी कि चार पत्रकारों के घर पर जो है इस समय हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है वो छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी किस मामले में चल रही है फिलहाल इस बारे में कोई भी सूचना देने से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो मना कर दिया है। उनकी ओर से ये कहना है जब उनकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी इसके बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार ये छापेमारी जो है किस वजह से हो रही है। तो उनकी ओर से जो है ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये छापेमारी किस वजह से हो रही है, इसका कोई रीजन जो है वो बताया नहीं गया है। और पुलिस ने फिलहाल इस बारे में कुछ है वो नहीं बताया है। अधिकारियों का ये कहना है कि जांच प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसके बाद बता दिया जाएगा कि आखिरकार ये किस प्रकार की छापेमारी जो है वो हो रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस संबंध में जानकारी जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। और हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो ये छापेमारी कश्मीर फाइट ब्लॉग मामले से जो है वो जुड़ी हुई है। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहला छापा जो है वो शौकत अहमद मोटा जो कि शेख हमजा कॉलोनी लाल बाजार में रहने वाले हैं उनके घर पे हुआ। और दूसरा जो है दूसरे पत्रकार के घर में छापेमारी की गई, उनकी पहचान जो है वो अजहर कादरी बताई जा रही है। और पुलिस की एक अन्य टीम जो है वो आज सुबह अबूकर कॉलोनी बेमिना पहुंची और सर्च ऑपरेशन जो है इस बारे में शुरू कर दिया। और अजहर कादरी पहले पीटीआई में जो है वो काम करते थे और बाद में जो है वो द ट्रिब्यून के साथ जुड़े रहे। तो इस बारे में जो है वो छापेमारी चल रही है। इसके अलावा अगर बातचीत करूं तो कश्मीर घाटी के ही दो अन्य पत्रकारों के घर भी जो है पुलिस का तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान मजहूर नगर में कश्मीर उज्मा से बड़े जुड़े अब्बास शाह के आवास और टीआरटी तुर्की के लिए काम करने वाले हिलाल मीर के घर पर जो है वो चल रहा है। और हिलाल मीर भी ग्रेटर कश्मीर से पहले रिपोर्टर और फिर संपादक के रूप से जो है वो काम कर चुके हैं। और वहीं जब पुलिस अधिकारियों ने इस छापेमारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इस बारे में जो है अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। उन्होंने कुछ बताने से जो है वो इनकार करते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही इस बारे में जानकारी जो है वो दी जाएगी। लेकिन अगर पुलिस सूत्रों की माने तो ये छापेमारी कश्मीर फाइट ब्लॉग के मामले जुड़ी हुई है। और पुलिस ने जिस विवादास्पद व्लॉग जो था उसमें कश्मीर फाइट्स के बारे में इन लोगों के घरों पर दबिश जो है वो की थी। और उसके बाद पुलिस ने 17 जुलाई को 5 लोगों को गिरफ्तार करके इस बारे में कहा था कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर दावा किया था कि व्लॉग का संचालक और उसके साथी जो है वो पकड़े गए हैं। और इसके बाद भी व्लॉग पर 3 नए अपराधजनक लेख प्रकाशित हुए हैं। और जिसके बाद बीते रोज भी इस व्लॉग पर कश्मीर के कुछ मीडिया घरानों को लेकर एक अपराधजनक लेख प्रकाशित जो है वो हुआ था। और सूत्रों की माने तो इस बारे में जो है वो इस व्लॉग के रिलेटेड छापेमारी कश्मीर में चार पत्रकारों के घर पर चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरह से सार्वजनिक जो है इस बारे में बात बताना जो है उन्होंने मना कर दिया है कि जब पूरी कार्रवाई होगी उसी के बाद जो है इसके बारे में जो डिटेल्स है उसे सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है वो भी मैंने आपको बताई। और आज सुबह से ही जो है चार पत्रकारों के घर पे कश्मीर में यानी कि श्रीनगर में जो है वो ये छापेमारी चल रही है। कमेंट बॉक्स में राय देना अपने ना भूलो। रहे बाहुबली एक्सप्रेस के साथ।